न्यूज स्टोरीज आज जो मेरे पास मौजूद हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि एक तो जितनी भी मरकजी शाहराएं हैं उन पर कहा जा रहा है कि अब स्ट्रीट लाइट्स नष्ट कर दी जाएंगी, कोई टेंडर्स हो रहे हैं, कोई मंसूबे बनाए जा रहे हैं, कोई फंडिंग की बजट की भी बात चल रही है। दूसरी स्टोरी ये है कि जितने भी मॉल कैनाल रोड के अंडर पासिस हैं उनकी तज़ीनो आराइश की कोई प्लानिंग चल रही है, और इसके साथ साथ 18 अशिया जो कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, आटा है, चीनी है, घी है, रोटी है, इस तरह की जो 18 अशिया हैं उनकी कीमतों को स्टेबल करने का प्लान किया जा रहा है। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जी इमरान मलिक, शेख ज़ैनुल आबिदीन, दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इमरान मलिक, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से खबर आई है, ऐलान किया गया है, मंसूबा ही रह जाएगा या फिर अमल दरामद भी होगा? बहुत शुक्रिया सिद्रा कि खबर ही आ रही है और ऐलान भी हो गया है, मगर चूँकि तकरीबन आज से दो हफ्ता कबल लाहौर ने से खबर दी थी और उसके बाद दुनिया अखबार की हमारी लीड लगी थी सिटी पेज पे कि 260,000 पॉइंट्स हैं पूरे शहर लाहौर में, तकरीबन 246,000 जो पॉइंट्स हैं वो यूनियन काउंसिल 274 यूनियन काउंसिल और मलिका जो सड़कें हैं, सर्विस लाइंस हैं, गलियां, मोहल्ले, चौराहे, यहाँ पे लगेंगे स्ट्रीट लाइट्स, और जो 15,000 कोई तकरीबन 216 के करीब ये पॉइंट्स बनते हैं पूरे शहर लाहौर की मॉडल सड़कों पे, और यहाँ पे ये 224 सड़कें हैं जिनमें से काफ़ी ज़्यादातर हिस्सा जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास है और कुछ हिस्सा जो है वो LDA के पास है। तो मेन जो थीम है वो कनाल का है, रिंग रोड से चढ़ने से पहले का है, और जो जितनी भी मॉडल्स रोड्स हैं जिसमें जेल रोड, माल रोड और इसके साथ साथ मेन बुलेवार्ड, गुब्बा टाउनशिप, इसी तरह फिरोजपुर रोड, इसी तरह कटवा चौक और पीछे लॉयर माल आ जाएँ, अपर माल आ जाएँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तकरीबन एक साल दो माह का जो टेन्योर है वो गुजर चुका है नई हुकूमत का, और पुराना एक साल देख लिया जाए 2018 के शुरू से, तो तब से जो अब तक 2019 अक्टूबर आ चुका है, तकरीबन ये पूरा टेन्योर जो बन रहा है ये एक साल 10 माह का बन रहा है, तो एक रुपये का काम नहीं हुआ। पहले इसलिए रोक लिया गया कि इलेक्शन आ रहे हैं, और उसके बाद इसलिए शुरू कर दिया गया, नई गवर्नमेंट अभी जज्बे के साथ किसी भी जज्बे के साथ वो काम करना चाह रही है, मगर अभी वो अपना सिस्टम सेट कर रही है, मगर सिस्टम सेट होते होते अब तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लान, और ये कहा जा रहा है कि जी आइंदा 10 रोज में कमिश्नर लाहौर डिवीज़न आसिफ लाल लोधी की ज़ेर सदारत, तकरीबन आज से 5-4 रोज़ कबल पहले इजलास हुआ था उनके कैंप ऑफिस में, यहाँ पे DG LDA मेट्रोपॉलिटन के ऑफिसर और तमाम लोग वहाँ पे मदद किए गए। शहर लाहौर की लाइट्स का पता था, शहर लाहौर जो है वो अंधेरों में डूबा हुआ है, और ये बात लाहौर न्यूज तकरीबन पिछले 2.5-3 माह से बता रहा है अपने मुसलसल लोगों को बताया जा रहा है, हुक्मरानों के दरवाजों पर भी दस्तक दी जा रही है कि इस जानिब कोई तवज्जो दी जाए। शेखन, LDA के पास कुछ हिस्सा है और कुछ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से काम किया जाएगा, और बात वही है कि जो मॉडल शाहराएं हैं कैनाल रोड पे हम देख लें कि तो बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स हैं जो कि दिन में भी अक्सर जलती रहती हैं, यानी उन्हीं शाहराओं पे बार बार काम हो रहा है, ना कि ये कि जो बाकी इग्नोर एरियाज हैं जहाँ पर गली मोहल्ले में कोई एक खंबे पे एक लाइट होती है वो तो परमानेंट बंद है, उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। हाँ, शुक्रिया सिद्रा मुनीर, जिस तरह आप अभी निशानदेही कर रही हैं कि गली मोहल्लों की जो लाइट्स हैं वही रोशन नहीं है, तो मैं तो कहूँगा कि जो मरकजी शाहराएं हैं उनकी भी लाइट्स रोशन नहीं है। ठीक, कैनाल रोड अभी मलिक साहब ने भी निशानदेही की, आप भी बता रही हैं, ये लाहौर की पहली सिग्नल फ्री रोड और सबसे इम्पॉर्टेंट रोड है। शहर लाहौर में जो इस वक्त ट्रैफिक इंटेलिजेंस सिस्टम है उसमें दो सड़कें ऐसी हैं जो कि तमाम सड़कों से बिल वास्ता या बिला वास्ता मिली हुई हैं, एक कैनाल रोड, दूसरी मॉल रोड। जिसने भी आना है, किसी सफ़र करना है, तो इन दो सड़कों से किसी ना किसी जगह पर उसको कनेक्ट करना पड़ता है। इन दो सड़कों के ऊपर स्ट्रीट लाइट का चलना बहुत ज़रूरी है, रोड लाइट्स का चलना बहुत ज़रूरी है। मॉल रोड पे ये स्ट्रीट इस लाइट्स को चलाने का काम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास है, ये जो कैनाल रोड है इसके ऊपर LDA के पास है। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने बरहमी का इजहार किया था कि कैनाल रोड की लाइट्स क्यों नहीं चल रही। अभी तक दो विजिट हो चुके हैं, तो अब लेस्को वाले 15 अक्टूबर की डेडलाइन दे रहे हैं, आज से 4 दिन बाद होप सो कैनाल रोड की जो तमाम लाइट्स हैं वो चल जाएंगी। ठीक,
तो इसकी जो कोई तादाद है वो 250 के करीब है, जो कि 250 लाइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं जो कि ख़राब हैं, जिनके कनेक्शन मुनक़ता हो चुके हैं, लेस्को के उसके बिल नहीं दिए गए, लेस्को ने कुछ के कनेक्शन काट दिए, कोई लाइट वैसे जल गई उसको रिपेयर नहीं किया गया, तो 250 लाइट हैं जो कि केनाल रोड की नहीं चलती। 15 अक्टूबर तक इसको मुकम्मल करने की डेडलाइन दी गई है। अब ये मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं ये हम 16 अक्टूबर को इनको बता देंगे कि आपने 15 अक्टूबर क्या है। मुझे लगता है कि काम हो जाएगा, क्योंकि जिस मैं समझता हूँ सिदरा के जो हमारे सरकारी इदारे हैं वहाँ पर पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं होता, वहाँ पे जो ऊपर से ऑर्डर आ जाए उसके ऊपर हुक्म होता है। लाइक वज़ीर आला साहब ने कहा कि केनाल रोड को रोशन कर दो, तब तमाम काम भूल गए, केनाल रोड को रोशन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ठोकर न्याज बेग को रीमॉडल मनसूबा बना दिया जाए, तमाम चीज़ों को छोड़ दिया गया, मेट्रो बस को, ऑरेंज ट्रेन को, अरीना सेंटर को, आपका एक मोरिया पुल को, तमाम चीज़ें छोड़ दी। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया कि ऑरेंज ट्रेन भी छोड़ो, और ऑरेंज ट्रेन के कॉन्ट्रैक्टर को उस ठोकर न्याज बेग के रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट पर लगा दिया। फिर ऊपर से ऑर्डर आया कि ठोकर न्याज बेग पे ऐसे खूबसूरत दरवाजे बनाए जाएँ कि शहर में दाखिल होने वालों को खूबसूरत नज़र आए। उन्होंने तमाम डिज़ाइनर उधर लगा दिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये 15 अक्टूबर तक मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आए हैं। अगर ये ऊपर से ऑर्डर ना आए होते तो जिस तरह लाहौर न्यूज़ पिछले 3 माह से ये अरबाब इख्तियार के दरवाजे खटखटा रहा है, इनको जगा रहा है, जो कि ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, मे भी ये अभी तक ही लेते रहते। ठीक है, शेख जैन को लगता है कि काम हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं डायरेक्ट। सिदरा बिल्कुल शेख जैन साहब जो हैं वो अपने तजुर्बे की रोशनी में कह रहे हैं, मगर बदकिस्मती बिल्कुल सिदरा, चूंकि लाइट्स की बात हो रही है, शहर लाहौर के रोशन करने की बात हो रही है, तो मैं चूंकि शेख जैन साहब ने भी अपना एक्सपीरियंस बताया कि 16 अक्टूबर तक लाइट जो हैं वो ऑन हो जाएंगी केनाल रोड की, 250 पॉइंट से जिक्र किया, बिल्कुल ऑन हो जाएंगी, मगर केनाल रोड पर शहर लाहौर नहीं चलता, पूरे लाहौर में शहरी जाते हैं, और लाइट्स ऑन करने का मकसद ये तो कोई बात ही नहीं है, हम कहाँ पे ये दस्तक देते जा रहे हैं, ये तो जो है बिल्कुल बुनियादी जिम्मेदारी है शहर लाहौर को रोशन रखने की, शहर लाहौर के पैचवर्क्स लगाने की, शहर लाहौर के तज़ीनो रहाइश की, ये तो म्यूनसिपैलिटी का बुनियादी जूज है। और जब कमिश्नर लाहौर डिवीज़न जब मीटिंग लेते हैं तो उसमें दो राय नहीं रह जाती, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न है, वो कमिश्नर लाहौर के नहीं है, वो पूरे आपके डिवीज़न के कमिश्नर हैं, जिनका जो जो खासा जो है, अगर 1.5 करोड़ की आबादी जो है लाहौर में है, तो उनको जो 3-7 ज़िले मिले हुए हैं वो तकरीबन 5 से 5 करोड़ तक ये आबादी पहुंच जाती है, जिसमें कसूर आता है, ननकाना आता है, शेखपुरा आता है। मकसद ये कहने का है कि सिर्फ शहर लाहौर में अभी ये स्ट्रीट लाइट और शहर लाहौर की भी सिर्फ केनाल रोड जहां से बुज़दार साहब गुजरे, समझ नहीं लग रही कि क्या मसला क्या है, कि क्या शहरियों की कोई चीखे वगैरह निकलवाना चाहते हैं, शहरियों का एहतजाज करवाना चाहते हैं। आप ज्यादा अच्छे तरीके से इन चीजों को बता सकते हैं सिदरा, मैं समझता हूँ कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, बिल्कुल ये कोई काम नहीं है स्ट्रीट लाइट को ठीक करना, अगर आपका यूनियन काउंसिल लेवल तक आपके अफसरान मौजूद हों और वो बा इख्तियार हों तो स्ट्रीट लाइट ठीक करवाना कौन सा काम कोई है? बड़ी का बात एक है। यूनियन काउंसिल जिसकी आबादी 8 से 10 लाख होती है, उसमें जो अडल्ट हैं अगर उनको कैटेगराइज किया जाए तो 5 लाख या 4 लाख हो गए, तो वो उनमें उनके घर में एक बड़ा इस तरह कोई आबादी का 1 लाख बंदा यूनियन काउंसिल से डायरेक्ट रबते में आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, माजी में ऐसा ही होता रहा, आप जाके कंप्लेन कर दें, या मैं आपको बताऊं यूनियन काउंसिल पे जो निज़ाम होता था वो अपने यूनियन काउंसिल के जो अफसरान हैं उनसे इस कदर इंटरकनेक्टेड होते थे कि दिन में 1-2 दफ़ा उनकी फ़ोन पे भी बात हो जाती है, और वो कहते थे कि मेरी गली में ये मसला है, मेरे मोहल्ले में ये मसला है, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं। और मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब अगर इसके ऊपर ये हुक्म कर रहे हैं कि इन स्ट्रीट लाइट्स को ऑन करें, तो मेरा ख्याल है ये हुक्म की बजाय उस इंतजामिया को बदल दें, ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली, यानी बुनियादी कामों के लिए भी अब ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं। देखें शेख साहब, ये कोई यहाँ से किसी बंदे ने गुजर के जाना है स्ट्रीट लाइट के पास से, वो तो ऊपर लगी हुई है। मकसद ये कहने का है कि 2001 से 2016 तक जो है निज़ाम रहा, निज़ाम चेंज हुआ,
मगर आपके पास एक रोल मॉडल आ गया कि यार ये लाइट है, ये ऑफ हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो इसकी जगह नहीं लगा देंगे। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब मकसद ये है कि स्ट्रीट लाइट वो कहते हैं जी ऑन करें, भाई ऑन कर दें, इस पर कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब है ये बार बार मीटिंग्स, बार बार प्रॉब्लम्स। अब देखें, हमने ही कोई तकरीबन दो हफ्ते कबल एक खबर जो है वो हमारी लीड भी लगी कि 2,60,000 पॉइंट्स पे ये लाइट्स लगाने के लिए 22 करोड़ रुपये के लिए टेंडर के लिए मंजूरी दे दी गई। अब कल रात को मैंने दोबारा एक सोर्स को उससे पता किया तो उन्होंने कहा कि 22 करोड़ की मंजूरी नहीं हुई, 35% पैसों की मंजूरी हुई है, 9 करोड़ तकरीबन 44 लाख के करीब। ठीक है, अब 35% से मुराद ये है कि पूरे लाहौर की लाइट तो 100% बंद है। इमरान मलिक, आपकी बातों से मेरे जहन में एक और सवाल ये भी आया है कि आपने कहा कि 9 करोड़ की मंजूरी हो गई है जी, और क्या स्ट्रीट लाइट ऑलरेडी लगी हुई है, पोल्स भी मौजूद है, वो लाइट्स या फिर कोई बिजली का थोड़ा बहुत कोई तार वार चली होगी उसका काम करने में? नहीं, इसी तरह ऐसा नहीं होता। इनके पास सामान नहीं है ना, मसला तो सामान का होता है ना, सबसे तो ज्यादा महंगा सामान। अच्छा, एक बात आपको पहले बता दो, लाइट्स को तब्दील करना आसान काम है, लाइट्स को नया लगाना आसान काम है, उसको ठीक करना मुश्किल काम है। उसको पहले ढूंढना पड़ता है कौन सा इसका, कौन सी चीज़ खराब है, क्या इसमें चेंज करने, और ये कोई प्राइवेट काम नहीं है, सरकारी काम है, उसके लिए मंजूरी लेनी पड़ती है, एक एक पुर्जे की, एक एक तार की, एक एक बटन की। उसमें एक और भी तो हर्डल है ना मलिक साहब, कि आपके पास वो जो लिफ्ट मशीनरी है वो भी 2 से 3 है, वो लाहौर शहर की कितनी के लाइटों के ऊपर वो लिफ्ट मशीनरी जाके तो उसको ठीक करेगी, तो बिल्कुल। लेकिन शेख जान, फिर भी अगर मेरा ख्याल है कि कतरा कतरा समंदर बन ही जाता है, कतरा कतरा भी आगाज हो तो काम हो ही जाता है, लेकिन आगाज तो हो, आउटसोर्स करें इसको, ठेका इसका दें, आगाज तो हो। देखें शेख साहब, सॉरी मैं आपकी बात काटने लगा, देखें इस तरह, जब मैं फिर बात बताऊंगा आपको कि जब आपके पास इधर पेडेस्ट्रियन राइट्स नहीं होंगे, आपको पता है यहाँ पे चलने के लिए जगह ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, किसी फुटपाथ पे पहुंच जाए तो वहाँ पे तजावजात का जो है शिकंजा उन्होंने, फुटपाथ पे आप चल नहीं। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं लगती कि फुटपाथ सरकार के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, अच्छा क्या हमारी म्यूनसिपैलिटी कर रही है, ये सारे जितने भी राइट्स हैं ना ये म्यूनसिपैलिटी के। अच्छा इमरान मलिक, आपकी इस बात से इंतहाई, इतने लोगों ने मुझे शिकायत की है और इतने लोग, उनको लगता है कि शायद हम लोग मीडिया से वाबस्ता हैं, हम लोग प्रॉब्लम्स को अवेयर करते हैं, उठाते हैं तो मामला हल हो जाते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि सरकार की जगह है, यहाँ पर तो दुकानदारों के कब्जे, आप शालमी इस साइड पर जितना भी अंदरून है उधर चले जाएं, आप किसी की दुकान के आगे गाड़ी नहीं पार्क कर सकते। शेख जान, किसकी जिम्मेदारी है, किसने रोकना है? हालांकि इंटरनेशनली आप चले जाएं, आपको कोई मना नहीं करता, दुकान उनकी है, आगे का एरिया उनका नहीं है, वो सरकार की जगह है। मलिक साहब ने अभी ना बड़ी कंपनियन से बात कर दी है, मैं इनकी बात से 100% एग्री करता हूँ। सिदरा, ये पेडेस्ट्रियन राइट्स की बात है, ना म्यूनसिपैलिटी ने ना रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कभी हमें बताए कि हमारे राइट्स क्या हैं, और ना ही उन्होंने हमारे राइट्स दिलवाए हमें। यस, जिसकी चलती है वो कहता है जी भाई मैं समझता हूँ कि ये जो इनक्रोचमेंट करते हैं, ये जो तजावुजात लगाते हैं, ये एक दो शख्स का नाम नहीं है, ये इनफरादी नहीं काम, ये एक माफिया का नाम है जिसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो होती हैं वो अंडर द टेबल प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। अदरवाइज मैं तो अक्सर निजी महफिल में बैठ के कह रहा होता हूँ कि किसी जगह पे लाल ईंट पड़ी हो, गैर कानूनी तमीर हो रही हो और LDA को ना पता हो, मेरा जहन नहीं मानता, ये मुमकिन ही नहीं है। ये सरपरस्ती होती है, यस, ये तमाम इन्फोर्समेंट के हमले को पता होता है कि इस जगह पे क्या हो रहा है, फिर हमें हर्डल्स आ जाती हैं। सबसे पहले जो हमारे, ये जो मलिक साहब ने अभी बात की पेडेस्ट्रियन राइट्स समेत दीगर जो हमारे राइट्स हैं वो क्यों नहीं हमें मिल पाते, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है। कोई आप रेडी उठाएं वो आगे से फोन करके आपके हाथ में पकड़ाता है कि ये मिनिस्टर से बात है, आपको बताता है कि मैं 300 रुपया देता हूँ दिन का, मेरा तो राइट है। ये बात बात की है, क्या बाहर के मुल्कों में क्या सियासी लोग नहीं बैठे हुए, अल्टीमेटली क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ते? अब बिलीव करें कि कहना पड़ रहा है यहाँ पे कि मैं हाल ही में बाहर के मुल्क का विजिट करके आया हूँ, तो वहाँ पर मैं रोजाना 11,500-12,000 स्टेप्स जो है मैं मोबाइल पे लगा लेता था, मैं चलता था 11,500-12,000 3-3.5 किलोमीटर बनता है, मुझे फीलिंग्स ही नहीं आई कि मैं चल रहा हूँ। बिल्कुल, यहाँ तो आप चल नहीं सकते, कोई यहाँ पे वहाँ पे आपको खड्डा नजर नहीं आया, सीधा चलते जा रहे हैं। अगर बाजार में गए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं फर्स्ट दुकान से चल रहा हूँ और लास्ट दुकान तक उसके बाहर एक
किसी ने अपना टेबल भी रखा जीरो टॉलरेंस उन्होंने सारी तजावजात के ऊपर। अच्छा अब मैं रात को भी घूम रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह मैं दिन में घूम रहा हूँ, लाइट्स ऑन हो जाती है 5:30 बजे के करीब जाकर और इस तरह लाइट्स ऑन होती हैं, इस तरह। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया इमरान मलिक।